हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज किंग आइडिया में। दोस्तों, आज फिर आप सभी को एक जेन्युइन बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज आप सभी को एक जेन्युइन बिजनेस को बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा बिजनेस के उस बिजनेस की इतनी डिमांड कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बिजनेस को कर रहे हैं वो भी माल को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इतनी डिमांड है इस बिजनेस की। आपको इसका बिजनेस कैसे करना है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको इस बिजनेस को किस तरीके से करना हो, कैसे करना है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर इस बिजनेस को आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भारी मात्रा में माल को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर पर ही थोड़ा सा माल लेकर घर पर रखना है और आपके घर पर हाथों हाथ ये माल बिक जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि आज का जो युग है वो साइंटिस्ट का युग है, यानी कि वैज्ञानिक युग है, और इस युग में लाखों करोड़ों प्रकार के यातायात के परिवहन के साधन चलते हैं। बहुत सारे लाखों उद्योग धंधे चलते हैं जिनमें हजारों प्रकार की लाखों प्रकार की मशीनें यूज होती हैं। और दोस्तों, जब लाखों करोड़ों प्रकार के वाहन, यातायात के वाहन, मशीनरी चलेंगे तो ईंधन की खपत होती है। अब दोस्तों, जब लाखों प्रकार के वाहन चलेंगे तो ईंधन की खपत तो होगी, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों, जब ईंधन की खपत होगी तो जब करोड़ों प्रकार के वाहन चलेंगे तो एक या 100 और 200 आदमी की हैसियत नहीं है कि सभी लाखों प्रकार के वाहनों को ईंधन को सप्लाई कर सकते हैं, ईंधन को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी एक ईंधन का बिजनेस करना है। एक ईंधन का, वो कौन सा ईंधन है, जैसे कि आप सभी जानते हो, मान लीजिए आप किसी देहात एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, दुनिया के जाने कितने प्रकार के वाहन चलते हैं और उनको चलने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चलेंगे तो डीजल पेट्रोल तो ख़त्म होगा, डीजल पेट्रोल से चलती हैं तो वो उनको डीजल पेट्रोल चाहिए। तो आज आपको बताऊंगा कि डीजल और पेट्रोल का बिजनेस किस प्रकार से अपने घर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो हर पेट्रोल पंप पर आपको कतार की कतार देखने को मिलती होगी। तो यह सुविधा आपको अपने एरिए में, अपने गांव पर देना है। तो आपको यह सुविधा अपने गांव पर कैसे खोलना है, आज मैं इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल राज किंग आइडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब बटन, आप उस पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में घंटी के निशान पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको डीजल और पेट्रोल का किस प्रकार से अपने घर पर बिजनेस करना है। दोस्तों, डीजल और पेट्रोल का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक बाइक चाहिए और आपको दो कंटेनर चाहिए। दो कंटेनर या तीन कंटेनर आप ले सकते हो। और कंटेनर लेने के बाद आपको अपने एरिए में, आपको पता है कि हर देहात एरियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप होते हैं, हर इंसान वहाँ डीजल या पेट्रोल भरवाने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि किसी को अगर 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, किसी को 10 लीटर डीजल चाहिए तो वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतना ही उनका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इतना उनका 100 रुपये का एक्स्ट्रा तेल ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं हमको अगर 2-4 रुपये एक्स्ट्रा लग के हमको यही सुविधा मिल जाए तो हम यही खरीद लेंगे। तो आपको यही बिजनेस करना है कि आपको डीजल और पेट्रोल
आपको जाना है कि नज़दीकी पेट्रोल पंप पर और वहाँ के 100 लीटर 150 लीटर 200 लीटर आपको डीजल भरवा के घर पे लाना है। आप 50 लीटर 30 लीटर 40 लीटर आपको पेट्रोल भरवा के अपने घर पे लाना है। और घर पर आप रख कर के घर पे आप जैसे ही रखेंगे और सबको मालूम होगा आपके एरिए में आसपास में जो आपके आजू बाजू में गाँव क्षेत्र है और आपके गाँव वाले हैं तो उनको पता होगा कि भाई उस जगह पे डीजल और पेट्रोल मिलता है। तो आपके वो घर पे आएंगे, किसी को 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, किसी को 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, किसी को 20 लीटर डीजल चाहिए, तो वो आपके ही घर से खरीद के ले जाएंगे। तो आपको इसमें मुनाफा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको पेट्रोल पंप पर डीजल मान लीजिए 95 रुपये का मिलता है यानी 95 रुपये का मिलता है तो आप अपने घर पर 102 या 103 रुपये का बेच सकते हैं। आपको 1 लीटर डीजल पर आपको 7 से 8 रुपये का ही मार्जिन रखना है, आपको इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। आप ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो दोस्तों आपको वहाँ कोई खरीदेगा नहीं। आप 7 से 8 रुपये का मार्जिन ही आप कमाएंगे तो दोस्तों आदमी हर इंसान आपके यहीं से माल खरीदेगा यानी डीजल पेट्रोल खरीदेगा। और दोस्तों आपको 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 10 से 15 रुपए तक आपको मार्जिन कमाना है। दोस्तों 15 रुपए से मार्जिन कम नहीं कमाना है पेट्रोल पर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू कर देते हैं तो आप एक दिन में मान लीजिए 100 लीटर 150 लीटर डीजल बेचते हो। दोस्तों ऐसा नहीं सोचिएगा आपके इतना सेल नहीं होगा। हर गांव में हर मेरे आजू बाजू में इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो वो 100 लीटर से 150 लीटर 200 लीटर तक डीजल पर डे सप्लाई करते हैं। मैंने उनसे नॉलेज लिया है, उन्होंने मुझे बोला है कि आप इस तरह के लोगों को इसके बारे में सूचना दीजिए, इस बिजनेस को बताइएगा, क्योंकि लोग इस बिजनेस को भी कर सकें। तो आप एक दिन में 100 लीटर तो डीजल बड़े आराम से बेच दोगे, क्योंकि अगर एक इंसान डीजल 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर डीजल खरीदता है तो अगर आपके पास 5-6 ग्राहक आते हैं तो आपको 100 लीटर डीजल सप्लाई मिल जाता है। अब आती है बारी पेट्रोल की। एक दिन में मान लीजिए जो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, बाइक वाले आते हैं, वो 0.5 लीटर 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं। तो आपका एक दिन में अगर ज़्यादा नहीं 20 लीटर ही आपका पेट्रोल ख़त्म होता है, 20 लीटर आपका पेट्रोल सप्लाई होता है और आप 1 लीटर पर 15 रुपये कमाएंगे, 15 रुपये का प्रॉफिट रखेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो आपका 300 रुपये होता है। तो आप पेट्रोल पर 300 रुपये पर डे कमाएंगे मात्र एक दिन में। आपका 100 लीटर डीजल बिकता है और आप 1 लीटर पर 7 रुपये ही कमाते हो तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो आपका 700 रुपये होता है। अब दोस्तों 700 रुपये आप डीजल पे कमाएंगे, 300 रुपये आप पेट्रोल पे कमाएंगे तो आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है मात्र एक दिन का। अब इसमें कुछ आपका खर्चा भी आने वाला है, जब आप भरवाने जाओगे तो आपका 100-150 रुपये का आपके पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप 800-900 रुपये पर डे बड़े आराम से अपने घर पर रह करके बिना झंझट के इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस बहुत रियल बिजनेस है, जो शख्स इसका बिजनेस करेगा वो 100% पैसा कमाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं चलेगा, तो दोस्तों चलता ही है बिजनेस। आप 100% इस बिजनेस को जुनून के साथ कीजिए दोस्तों, 100% आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको अपनी क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना, आपको कुछ मिलावट नहीं करना है, बिल्कुल ही आपको बड़े ध्यान से और जुनून के साथ बिजनेस को कीजिए दोस्तों, बिजनेस 100% चलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये दावा करता हूँ। तो दोस्तों आज का यही था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इसी तरह बिजनेस आइडिया के साथ, जब तक के लिए मांगता हूँ मैं सभी दोस्तों से इजाज़त। तो जय हिंद।